वैसे तो आपने बता ही दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, पर फर्स्ट कीजिए सर कि सरकार भी आई लेकिन उनको किसी कारणवश किसी और जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, तब क्या होगा सर? क्या जिम्मेदारी दी जाएगी उनको? तब देखो ऐसा होगा कि दिल्ली जाना पड़ेगा, एक तो ये है, और दिल्ली जाने का मतलब ये होगा कि वैसे तो एक स्वाभाविक पद उनके लिए रखा हुआ है हमेशा के लिए भी जनरल सेक्रेटरी और केसी वेणुगोपाल की जगह लगा दें, साथ में ट्रेजरर का चार्ज दे दें, लेकिन उससे बड़ी मैं बात समझता हूँ। अब देखो वैसे तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते थे, वो जो है आज भी बन सकते हैं, लेकिन खड़गे काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, विपक्षी एकता इंडिया ये सब बातें डेवलपमेंट हो गए हैं, तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति आएगी तो अशोक गहलोत जो है कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं उस स्थिति में अगर कोई बात आती है तो। क्यों? कारण क्या है, राहुल गांधी रिलेक्टेंट ब्राइड है, वो पार्टी अगर किसी ऐसी सूरत आती है कि उनको पता लगे कि आज प्रधानमंत्री की शपथ होनी है, राहुल गांधी चलोगे, सभी लोग मिलके कहते हैं, अगर बाय द वे वो फिर भी श्योरिटी नहीं हो, कहेंगे नहीं मैं तो कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हूँ, तो कांग्रेस में अशोक गहलोत का भविष्य ये है उस स्थिति के अंदर कि दिल्ली में सम्मानजनक रहेंगे, सोनिया गांधी की आँख और कान रहें, यहाँ पर जो है राजस्थान पर उनका मन लगा रहेगा, हफ्ते में चार दिन वहाँ रहेंगे, दो दिन कभी यहाँ आ जाएंगे आकर के, और कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का ओबीसी चेहरा वो हो सकते हैं उस सूरत।